संविधान चुराया, संविधान चोर डॉक्टर अंबेडकर। ये बात सच है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की चोरी की है, अगर हम निगेटिव भाषा में कहें तो। मगर किसकी चोरी की है, किसके बाप दादा का संविधान चुराया है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अपने बाप दादा का संविधान चुराया है तो वो चोरी नहीं है, और किसी और के बाप दादा का अगर संविधान चुराया है तो वो चोरी आती है। सबसे पहले ये समझें कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान में एक शब्द आता है धा, धा इसका प्रमुख शब्द है। धा माने होता है धारण, यानी कि कोई भी पदार्थ जो गुण को धारण करता है वो धा बोलते हैं, उसको धारण करना। अगर इसमें अमे लगा देते हैं, अमे पाली का शब्द है, अमे माने मैं या हम, यानी उस पदार्थ को नाम हम, मैं और हम देते हैं, तो ये धारण से धम्म बन जाता है। यानी मैं या हम अगर धारण करें तो ये धम्म हो गया। प्रकृति की कोई भी चीज अगर इसको धारण करे उन गुणों को, तो वो धम्म हो गया। और अगर इसमें धा में वी लगा दें पहले, तो ये हो जाता है विधा, यानी कि धारण करने के जो तरीके हैं, जो उसकी टेक्निक है, वो विधा हो गई, विद्या हो गई संस्कृत भाषा में, या एजुकेशन हो गई। और अगर न लगा देते हैं पीछे तो बन जाता है विधान। इसका मतलब अब ये कंपलसरी हो गया, यानी कि जो धारण करना है, ये धारण करने वाला जो नियम है, अब ये आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है या कंडीशनल है, जो आपको धारण करना है। और अगर इस विधान में सम लगा देते हैं तो ये हो जाता है संविधान। सम का मतलब है बराबर, पूरी तरह से। तो पूरी तरह से ये बराबर विधान हो गया, नियम हो गया, यानी सबके लिए ये बराबर हो गया। सबको धारण करना है और बराबर करना है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। और इससे पहले एक शब्द आता है संविधान से पहले, वो है सम्यक, यानी सम्मा। सम्मा पाली के अंदर जो शब्द है, इसका मतलब है सही तरीके से, यानी सही तरीके से बराबर नियम धारण करना है सबको, तो सम्मा को सम्यक बोलते हैं। तो सम्मा संविधान हो गया इसका नाम। सम्मा संविधान का मतलब है कि जो भी चीज नियम बनेगा प्रकृति का, वो सबके लिए सही होगा और सबको बराबर धारण करना होगा। इसका उलट एक शब्द आता है, अगर हम इस सम की जगह विषम लगा दें तो ये विषम विधान हो जाता है। विषम विधान का मतलब है कि अब समानता नहीं है नियमों की, किसी को कोई नियम मानना है, किसी को कोई नियम नहीं मानना है, ये विषम विधान हो गया। यानी इसमें विष जो होता है पाली में, उसको संस्कृत भाषा में विष बोलते हैं, जहर बोलते हैं उसको, यानी जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, उसको जहर बोला गया है। तो ये विष का विधान हो गया, जहरीला विधान हो गया, जहरीला नियम हो गया, अब ये नुकसान देगा क्योंकि ये सबके लिए बराबर नहीं है, तो ये विषम विधान हो गया। तो दो तरह के विधान होते हैं, एक सम्मा सम विधान और एक विषम विधान, यानी कि जहर वाला, इनइक्वलिटी वाला विधान। जो बुद्ध से पहले भारत के अंदर, जब यहां घुसपैठिए नहीं आए थे, यहां आक्रांता नहीं आए थे, आक्रमणकारी नहीं आए थे, यहां प्रकृति में जो विधान था वही विधान चलता था। लोग प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति के सम्मान करते थे। पूजक का मतलब है सम्मान करना, मान करना। तो प्रकृति में आग का सम्मान करना, चंद्रमा का करना, सूरज का करना, पानी का करना, मौसम का करना, पेड़ का करना, पौधों का करना, जानवरों का करना, ये सारे सम्मान वो किया करते थे, क्योंकि उनके दैनिक क्रिया के ये खिलाप थे। और उन्हें अच्छी तरह पता था कि पृथ्वी में एक बैलेंस रहना चाहिए, इसलिए सबका सम्मान करना है, सबकी पूजा करनी है। मगर जब आक्रांता आए, घुसपैठी आए, तो जहां से वो आए थे वहां तो ईंट पत्थर और धूल और ठंडे मौसम के अलावा कुछ था नहीं। छोटा छोटा कहीं कोई पेड़ वेड़ होता था, उसको कोई जानवर खाता था, और जानवर को खा के वो अपना काम चलाते थे। एक दूसरे की स्त्रियां उठा के ले जाते थे ताकि उनके कुनवे बड़े हों, और उनमें ज्यादा कुनवों के अंदर मारक शक्ति में आदमी पैदा हों, और ज्यादा बड़ा कुनवा ज्यादा बड़ा लोगों को मार के खाना छीन के ला सकता है, औरतें छीन के ला सकता है। इस तरह के लोग जब भारत में आए तो उनकी आंखें फटी रह गई, यहां तो पानी इतना, यहां तो खाना इतना, यहां तो जानवर इतने, मगर वो अपनी मनोवृत्ति चेंज नहीं कर पाए। उनके यहां विषम विधान चलता था, क्योंकि समता की बात वहां होती है जहां खाना रहना सब पूरा हो। अगर कहीं प्रकृति में खाना पूरा ना हो या पूरी चीजें ना हो तो वहां विषमता आ जाती है, ये प्राकृतिक नियम भी है। तो वो अपनी विषमता को नहीं भूले, और यहां की समता उनको अच्छी लगी नहीं, तो उन्होंने अपनी विषमता को समता में मिक्स करना शुरू किया, और यहां के संविधान में अपना विषम विधान, अपना जहरीला विधान डालना शुरू किया, घोलना शुरू किया। भगवान बुद्ध ने जब ये देखा कि
बाहर के लोगों ने आके यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, उनकी अच्छी आदतों को गंदी आदतों में बदल दिया, उनको चोरी करना सिखा दिया, डकैती सिखा दी, लूटमार सिखा दी, उनको नशीले पदार्थ सिखा दिए, उनको व्यभिचार सिखा दिया, उनको हत्या करनी सिखा दी, उनको झूठ बोलना सिखा दिया। तो उन्होंने अपने पूरे गहन अध्ययन से ये पाया कि ये मन से कैसे काम करता है और ये कैसे दूर हो सकता है, मनुष्य दोबारा से कैसे सुखी हो सकता है। उन्होंने बिना भेदभाव किए जो आक्रांता थे उनको भी और जो यहाँ के श्रमण लोग थे उनको भी, सबको वो फार्मूला और वो टेक्निक सिखाई जिससे कि वो सुखी हो जाए और इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे करके सब लोग सुखी होने लगे, चाहे वो कहीं के कैसे भी थे, बिना भेदभाव के। तब भगवान बुद्ध ने जो नियम बताए और उन नियमों को जो गड़क और भाड़क लोग थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए चीजों को याद करते थे, उन्होंने सारी बातें वो याद की बुद्ध की, और बुद्ध के खुद के जो शिष्य थे जो भिक्खु संघ में थे उन्होंने सारी बातें याद की। तब पहली बार जो विधि बताई और जो विधान था वो सम्यक संविधान था, सम्मा संविधान था, जो सम्यक सम बुद्ध ने बनाया और उसके सारे नियम बनाए आदमी के लिए, औरत के लिए, व्यापारी के लिए, राजा के लिए, देश के लिए, भिक्खु के लिए, टीचर के लिए, छात्र के लिए, बच्चों के लिए। और उसी में उन्होंने प्रावधान डाला कि अगर झगड़ा होता है तो उसका समाधान कैसे होता है। सात तरह का नियम उन्होंने बताया और उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। अपने यहाँ वो चुनाव कराते थे, चुनाव करने का पूरा प्रक्रिया उन्होंने बताई कैसे चुनाव होता है। उन्होंने ही आर्थिक नियम बनाए, उन्होंने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। जो जो भिक्खु संघ था, भिक्खु संघ में उन्होंने एक रिजर्व सारी चीजों का एक स्थल बनाया। जो भी सामान आता था वो उस रिजर्व बैंक में यानी कि उस संघ में जमा हो जाता था और जिसको आवश्यकता होती थी उसको मिल जाता था। तो रिजर्व बैंक की प्रणाली भी उन्होंने बनाई, उन्होंने ही न्याय की प्रणाली बनाई, उन्होंने ही संघ बनाया, जो गणराज्य संघ है उन्होंने ही बनाया, क्योंकि संघ के अंदर सारे नियम संघ पे आधारित परिषद से चलते थे। उन्होंने ही उपोषित नियम बनाए, जबकि सारे भिक्खु और भिक्खुणों के वाद विवाद हर 15वें दिन वो आपस में सुलझाते थे, जिसके नियम बनाए कैसे कैसे। उन्होंने ही सारी सारी दंड संहिता बनाई, दंड संहिता वो थी जिसमें भिक्खु और भिक्खुणों को दंड दिया जाता था जो वो अपराध करते थे उसके अनुसार, वो सारी सुरक्षित है विनय पीठक के अंदर। उन्होंने ही लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए सारी चीजें बनाई। उन्होंने ही महामारी जैसी चीज में लोगों को, राजा को बताया कि आपको क्या करना है, लोगों को खूब बीज दीजिए, खूब सामान दीजिए, इनसे कर मत लीजिए, और साल दो साल में जब बारिश होगी तो ये उससे ज्यादा कर आपको दे देंगे। ये टेक्निक भी उन्होंने ही बताई। भगवान बुद्ध के पास सारी समस्याओं का हल था, सारी समस्याओं का हल उन्होंने बताया। राजा जब युद्ध करने आते थे तो पूछते थे कि कब युद्ध करना है कब नहीं, वो युद्ध के कभी फेवर में नहीं रहे, मगर वो गुण और अवगुण और उसके रिजल्ट उनको बता देते थे, इनडायरेक्ट बताते वो आनंद को थे और राजा सुनकर चला जाता था। वो युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे, मगर उसके लाभ हानि क्योंकि उसने पूछा है तो बता देते थे, इसलिए राजा लोग डर की वजह से युद्ध भी नहीं करते थे, क्योंकि युद्ध हमेशा उल्टा पड़ता है, आपकी जनता तो मारी जाएगी ही, सामने वाले की मारी जाएगी, उसके परिणाम सैकड़ों सालों तक लोगों के मन में और देश के मन में रहते हैं जो ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए मित्रता में फायदा है, ऐसा वो बताया करते थे। तो जितने भी ये स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि वो भैषज्ञ गुरु थे, तो भैषज्ञ गुरु होने के नाते उन्होंने खुद भी जानवरों की, पक्षियों की, सबकी सेवा की, और उन्होंने जो जीवक जैसे जो उनके चिकित्सक थे उनको भी उन्होंने नियम बताए कि कैसे सेवा करनी है कैसे नहीं, परिषद को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, किसी सभा को कैसे चलाना है, इसके नियम भी उन्होंने वहाँ सारे बताए। यानी कोई ऐसा नियम नहीं छोड़ा समाज के अंदर जो उन्होंने ना बताया हो या ना उनके संज्ञान में कभी आया हो। वो सारे के सारे नियम जितने भी थे चलाने के, वो सारे नियम सुरक्षित रहे और वो सारे सुत पीटक में और विनय पीटक में बरकरार लगातार चलते रहे। बहुत सारे लोगों ने बाद में उस पर टीका टिप्पणी की, बहुत सारे लोगों ने उस पर किताबें लिखी, मगर वो ऐसा के ऐसा सारी दुनिया में फैल गए और देश खुशहाल और सुखी होते चले गए सम्यक सम बुद्ध के सम्यक सम संविधान से। बाबा साहब अंबेडकर जब भारत में आए उससे पहले सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध का सम्यक सम का जितना भी सिद्धांत था और जो नियम थे, जो विधान था, जो संविधान था, उसको लागू किया। उसको लागू करने के बाद उन्होंने बृहत भारत बनाया और बड़ा सुखी होकर चलाया। उनके राज्य में सबसे ज्यादा अस्पताल थे, सबसे ज्यादा स्कूल थे, सारी जनता पढ़ी लिखी थी और पूरे भारत, पूरी दुनिया का 26% जीडीपी का व्यापार भारत से होता था। भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ से हाथ से बनी हुई चीजें जाती थी, सामान जाते थे और बाहर से सोना आता था, इसलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। राज्य की सीमाएं बड़ी सुरक्षित थी, कभी अशोक के इतिहास में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि किसी बाहर के लोग ने आक्रमण किया हो। ये सारी व्यवस्था संविधान के तहत में,
उसी समय सबसे बड़ा व्रत भारत रहा। मगर जब संविधान, क्योंकि संविधान की एक उम्र होती है, जब संविधान खत्म किया गया और विषम विधान लागू किया गया, तो उस विषम विधान के तहत में इस भारत के अखंड खंड खंड हो गए, टुकड़े हो गए और छोटा होता चला गया। नेपाल चला गया, थाईलैंड चला गया, बर्मा चला गया, ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, ये सारे कंट्री धीरे धीरे करके चले गए और अभी भी देश की बहुत सारी जगह झगड़े छोटे मोटे बाउंड्रियों में चल रहे हैं। ये सिर्फ विषम विधान के कारण है, क्योंकि विषम विधान के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। विषम विधान में लोगों में असंतोष ज्यादा रहता है, प्रजा भूखी ज्यादा रहती है, परेशान ज्यादा रहती है, क्योंकि असमानताओं पर आधारित अगर आप नियम अपनाएंगे तो असमानता जैसे ही रिजल्ट आएंगे। समानता पर आधारित अगर विधान अपनाएंगे तो समानता के रिजल्ट ही आएंगे। मगर दुनिया इसका बड़ा फायदा उठाती है, क्योंकि जिस देश में विषम विधान लागू होता है उसकी विषमताओं को डरा डरा के, धमका धमका के और उसको मजबूर करके वहां के लोगों का बाकी लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर समानता पर आधारित संविधान रहेंगे तो वो मजबूत देश होता है, वहां के देश का कोई बाहर का देश फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि समानता पर आधारित सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट बताया। सम्राट अशोक के संविधान के बाद जब विषम विधान आया तो फिर भारत को मौका मिला और भारत में फिर संविधान आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो संविधान पूरा पढ़ा, पूरा अशोक के समय का अध्ययन किया, पूरे दुनिया के जितने भी संविधान या विषम विधान है उनका अध्ययन किया और उसको फिर संस्कारित किया, मॉडिफाइड किया और संस्कारित को सबको मॉडर्न भाषा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाना था, उन्होंने वही सिद्धांत जो बुद्ध के संविधान के सिद्धांत थे जो अशोक ने अप्लाई किए, वही उन्होंने अनुच्छेदों में, आर्टिकल में एक एक करके डाले। बिल्कुल डिट्टो सेम वही है, कोई भी अंतर नहीं है, वही दंड संहिता है, वही आचार संहिता है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही रिजर्व बैंक है, वही जितनी भी चीजें हैं सारी गण पे, गणराज्य पे, गण विशेष पे, सारी की सारी वही है। उन्होंने वही बनाया और उसके बाद देश 70 साल तक बहुत आराम से, शांति से चलता रहा, दुनिया में नाम और तरक्की करता रहा, जैसी भी तरक्की आप देख रहे हैं। तो संविधान जब भी खत्म होगा और विषम विधान आएगा, तो विषम विधान के साथ में इसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को विशेष वो अधिकार दिए जो कभी बुद्ध ने दिए थे, वही व्यापारियों को अधिकार दिए, वही मजदूरों को अधिकार दिए, यानी कि सारे लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान उसी संविधान के तहत में दिया गया जो भगवान बुद्ध ने बताया और समझाया और जिसको दुनिया कायल है, जिसको दुनिया मानती है। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को इतना जबरदस्त माना गया कि 20 देशों ने इसको कॉपी पेस्ट किया और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, क्योंकि ये बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर का कम और भगवान बुद्ध का ज्यादा है, क्योंकि भगवान बुद्ध बाबा साहब के बाबा रहे हैं, दादा रहे हैं, परदादा रहे हैं, इस देश की रहे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर भी इस देश के नागरिक रहे हैं और भगवान बुद्ध भी इस देश के नागरिक रहे हैं। तो ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बाप दादाओं की संपदा को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया, जैसे एक होनहार बेटा अपने माँ बाप की संपत्ति को, नाम को आगे बढ़ाता है। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉपी पेस्ट किया है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। दरअसल अपने बाप की संपदा को आगे बढ़ाना और इस्तेमाल करना लायक बेटे के लिए एक प्राइड की, एक घमंड की, एक अभिमान की बात होती है। वो लोग भारतीय नहीं हो सकते जो डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहते हैं कि ये चोरी किया हुआ है या ये चुरा के लाया हुआ है या ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय हैं और बुद्ध भी भारतीय हैं और सम्राट अशोक भी भारतीय हैं। और जो वो कह रहा है, जो आदमी ये बार बार कहता है, उसको शर्म आनी चाहिए, या तो वो भारतीय नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर उससे उम्र में बड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान में बड़े हैं। एक भारतीय से दूसरा भारतीय ज्ञान में और अगर उम्र में बड़ा हो तो उसे सम्मान और रेस्पेक्ट के साथ में देना चाहिए, और अगर वो अपनी बाप दादाओं की विरासत को बढ़ाता है तो उसको 2 सैल्यूट अलग से देने चाहिए। तो जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट किया है, वो लोग 100% भारतीय नहीं रहे होंगे, या वो विदेशी रहे होंगे, या वो देशद्रोही रहे होंगे, या वो देश के गद्दार रहे होंगे। जो देश के नागरिक द्वारा लिखा गया संविधान, देश के बाप दादाओं द्वारा लिखे गए हुए संविधान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को इस तरह के घृणात्मक और अपशब्द बोलते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर विदेशी होते और कुछ कोई इस बात को कहता तो समझ में आता है, मगर देश के नागरिक और इतने बड़े ऊंचे सम्मान के नागरिक को इस तरह की भाषा जो बोलता है, वो कितना नीच और कितना गिरा हुआ और कितना कमीना हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।
इसलिए आप ये कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की चोरी की है, या ये कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बाप दादाओं की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है, जैसे एक होनहार बेटा बढ़ाता है। दोनों ही बात पॉजिटिव हैं भारतीयों के लिए, क्योंकि कोई माँ बाप अगर कोई बेटा अगर अपने माँ बाप की शिक्षाओं की चोरी करता है और आगे बढ़ाता है तो वो चोरी नहीं कहलाई जाती, वो तो एक बहुत सम्मान की बात होती है। इसलिए बाबा साहब अगर अपने माँ बाप, अपने माई बाप, अपने पितामह, अपने महापुरुषों की अगर कोई विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। धन्यवाद।